यह वीडियो सिर्फ वही देखेगा जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो सुबह 4 बजे उठना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, वही इस वीडियो को अंत तक देखेगा, वरना इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सुबह 4 बजे उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सुबह 4 बजे आखिर होता क्या है, क्यों सभी लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, वो लोग पहली बात तो सक्सेसफुल होते हैं और उनके पास लोगों से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का, सुबह जल्दी उठने से आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आपके पास लोगों से 3 घंटा ज़्यादा होगा, जो लोग 7 बजे उठते हैं। आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठने से डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, दिन भर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे, आपको अपने आप पे गर्व होगा कि हाँ मैं डेली 4 बजे उठता हूँ, सुबह में 4 बजे मैं उठ पाता हूँ। दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, काम करने में आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा। तो यही सब फायदे होंगे अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे। तो क्या आपको पता है एप्पल के CEO 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, हॉलीवुड के एक्टर द रॉक सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, इसलिए ये इतने सक्सेसफुल हैं और किसी भी चीज़ की इनके पास कमी नहीं है। और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और बहुत सारे सफल व्यक्ति सुबह उठ जाते हैं। सफलता सोए सोए नहीं मिलती है, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अंत में मैं आपको यही बताऊँगा, सुबह जल्दी उठो। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने से नहीं जीत सकता, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। जो एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता, वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, नया कुछ बड़ा वो कर ही नहीं सकता। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको सुबह में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। अपने आप को एक ऐसा रीज़न दो, एक ऐसा कारण दो कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही उठना है, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसा आप अपने आप को सजेशन दो कि मुझे इस रीज़न से मुझे उठना ही उठना है। आपका जो सपना है उसको आप याद करो। अगर मान लो आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो जो आर्मी वाले होते हैं सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाते हैं, उनके पास एक रीज़न होता है कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाना ही जाना है। ऐसे ही आप अपने आप को रीज़न दो, मुझे सुबह उठ के पढ़ना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं आप ये रीज़न दे सकते हैं। अगर आप एक आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मुझे दौड़ने जाना ही जाना है, किसी भी कीमत पर मुझे सुबह में उठना ही उठना है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए सुबह में उठने के लिए। और जो सबसे ज़रूरी काम है, अलार्म आप लगाते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, बेड के पास ही रख देते हैं, तो आप जब उठते हैं तो उसको बंद करके सो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अलार्म को आपके बेड से दूर रखना है, ताकि आप बंद करने जाएं तो आपको उठ के जाना पड़े। इससे क्या होगा कि जब आप उठ के जाएंगे तो दोबारा आपको नींद नहीं लगेगी और आप उठ पाएंगे सुबह 4 बजे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा सुबह अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं। तो जो जो मैंने बताया उस रूल को फॉलो करो, और 4 बजे वही लोग उठते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप 4 बजे उठेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।